तो उत्तर प्रदेश भाजपा ने ट्वीट करके विपक्ष पर हमला बोला है। तस्वीरों वाला ट्वीट भाजपा ने किया है और उस पर कैप्शन लिखा है, कलयुगी राक्षस मचाए हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसका कैप्शन ये है और इसके साथ एक तस्वीर है जिसमें एनिमेशन है। देखिए ये वो तस्वीर है, यूपी सीएम योगी के माथे पर दिखाई, सिर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सीएम योगी पालनहार की भूमिका में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए शेष नाग का पन दिखाई दे रहा है, तरीके तरीके से जो समस्याएं हैं वो बादल और शेष नाग के पन के साथ जुड़ी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के ट्वीट पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है मार्केटिंग इवेंट में इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जरा ये भी बता देते किस तरह से कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की तरफ तरफ के यहाँ मौतें हुई, किस तरह से किसान यहाँ धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही है, महंगाई बेरोजगारी से यहाँ पे लोग आत्महत्या करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सब थे, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के तहत आज लखनऊ में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाए जाने से लेकर सीएम योगी के कामों की तारीफ में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। राजनाथ सिंह जी को जब जब हम लखनऊ की इस धरती पर पाते हैं, लखनऊ का कण कण खिल उठता है और हृदय भावनाओं से भर जाता है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लगाइए मत लगाइए या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से पूछता हूं, उसी को शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं दो दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था, मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। विकास का चक्का जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं चाहता हूं हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए भी उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकलेगी कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है।